सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे चैनल में एक वीडियो पहले से है, आप उसको देख सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट उसको समझ सकते हैं। आज हम लोग एग्जांपल करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ किया जाता है। तो अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप किसी फंक्शन को आसानी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लेने के पहले मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिफाइन कर रहा हूँ। इसका डिफिनेशन मेरे दूसरे वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को का डिफिनेशन मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा। तो चलिए देखिए क्या है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफिनेशन। द फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that x y belongs to I and mod of x n minus y less than delta implies mod of f of x minus f of y less than epsilon. Here delta may depend on epsilon but not on the points. देखिए f जो है वो एक function ले रहे हैं हम लोग, ये function uniformly continuous होगा interval I में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो function होता है वो किसी पॉइंट पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटरवल में होता है। तो इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, इसके लिए एप्सिलॉन हम लोग चूज करते हैं। ये वेरी स्मॉल भी हो सकता है, ये अपने से चूज करना है, उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा एडजस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर। और ऐसा होगा कि एक्स और वाई अगर इंटरवल का कोई भी अगर हम लोग दो मेंबर लेते हैं, लेकिन ऐसा लेना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। मीन सपोज कीजिए अगर आपके पास ये इंटरवल है, यहां से यहां तक ये इंटरवल आई है, तो यहां पर इस इंटरवल में कहीं पर भी हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे, लेकिन ऐसा लेना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, यानी कि जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए, यानी वेरी क्लोज होगा। वो डेल्टा पर डिपेंड करता है, डेल्टा कितना बड़ा लेंथ है, तो उस लेंथ से ये दोनों का डिस्टेंस है उससे छोटा होना चाहिए। अगर एक्स वाई ऐसा लेते हैं तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू आएगा एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर, उसका डिफरेंस का मॉडुलस भी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई। अब ये जो पॉइंट एक्स वाई जो लेना है वो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ये जो पॉइंट हम लोग चूज कर रहे हैं आई इंटरवल पे, आई इंटरवल में कहीं पर भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, सिर्फ इस कंडीशन को देखना है कि उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो ये डेल्टा जो है वो पॉइंट एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, डेल्टा सिर्फ किस पर डिपेंड करना चाहिए, एप्सिलॉन पर। तो अगर डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहते हैं आई इंटरवल में। तो आई इंटरवल में अगर किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है, किसी भी इंटरवल, कोई भी इंटरवल सपोज करते हैं आई इंटरवल में, तो आप सबसे पहले एप्सिलॉन लीजिएगा पॉजिटिव नंबर, उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलेगा एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डिंग। अब डेल्टा क्या होगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो कि डेल्टा क्या चूज करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले एप्सिलॉन लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा लेंगे। जो भी इंटरवल दिया हुआ रहेगा उस इंटरवल में हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे और ऐसा लेंगे कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। दिखा देंगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो ये अगर दिखा देते हैं एक्स वाई हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेंगे इंटरवल का और ऐसा लेंगे कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, और अगर दिखा देते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, तो इस इंटरवल आई में ये फंक्शन जो एफ है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाए। तो हम लोग इसी तरीके से किसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। हम लोग को ये फंक्शन जो साइन एक्स है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस दिखाना है और इस इंटरवल में दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं जरा समझो।
सबसे पहले हम लोग एक एप्सिलॉन लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये कोई भी एप्सिलॉन दिया हुआ है या हम लोग चूज करेंगे, देन वी चूज, अब हम लोग यहां पर एक चूज करते हैं डेल्टा, वी चूज डेल्टा, अब डेल्टा क्या होगा ये अभी हम लोग खाली छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बाद में इसको फिल अप करेंगे डेल्टा कैसा नंबर होगा सो। तो आप सब नंबर लिए हुए हैं, हम लोग यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है sin x को यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूव करना है, तो इस फंक्शन को f ऑफ x मान लेते हैं। अब मैं अभी बता रहा था कि x और y इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट लेना है, इंटरवल है यहां पर ये 0 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट लेना है और ऐसा लेना है कि मॉड x माइनस y लेस देन डेल्टा, और इसके बाद हम लोग दिखा देंगे कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन एप्सिलॉन, अगर इतना काम कर लिए तो वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहां पर लेट x y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट, हम लोग ये जो पॉइंट ले रहे हैं मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है। अब हम लोग निकालते हैं नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो आप देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स और एफ ऑफ वाई का वैल्यू है साइन वाई, यहां पर हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin c minus sin d का, तो ये हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, ये भी एक रिजल्ट होता है mod x into y, तो दोनों में मॉडुलस लग जाता है, तो यहां पर हम लोग दोनों में ये तीन नंबर है यहां पर तीनों में मॉडुलस लगा देंगे, तो 2 का मॉडुलस 2 ही होगा और ये cos का फिर मॉडुलस ले लेंगे cos of x plus y divided by 2 into फिर इसका मॉडुलस ले लेंगे sin of x minus y divided by 2। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि cos theta का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा, थीटा चाहे कुछ भी क्यों ना रखे cos थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर ये क्या होगा जरा समझिए, दिस इज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, तो इसके जगह हम लोग लिख जाते हैं 1 और ये ज्यों का त्यों रखिए sin ऑफ x माइनस y by 2 और इसका मॉडुलस है, तो दिस इज लेस देन 1, ये 2 तो रहने दिए इसकी जगह 1 लिखें, तो 1 से ये छोटा है इसलिए लेस देन और इक्वल टू लगाए हुए हैं यहां पर। अब देखिए एक और रिजल्ट होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये f ऑफ x माइनस f ऑफ y का वैल्यू लेस देन दिस आया है, तो मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 into 1 into, अब यहां पर क्या कर रहे हैं या समझिएगा इसको, साइन थीटा का जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज साइन थीटा का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन मॉड थीटा होता है, जहां पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर के लिए साइन थीटा का मॉडुलस लेस देन थीटा होता है, यानी कि ये साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो एंगल थीटा से छोटा होगा, तो यहां पर हम लोग वही काम कर रहे हैं, ये जो साइन का जो वैल्यू है वो लेस देन इस एंगल से होगा, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू ये साइन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ लिख रहे हैं मॉड एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखिए ये टू रहने दीजिए, मॉड ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी मॉड लग जाएगा, तो टू का मॉडुलस टू, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया मॉड एक्स माइनस वाई, और मॉड एक्स माइनस वाई अभी हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है, तो यहां लिखेंगे लेस देन डेल्टा, तो ये क्या आया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन डेल्टा आया है, और लाना क्या है
हम लोग को लाना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन क्या होगा, अगर डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल हो तब ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो देखिए याद कीजिए यहाँ पर डेल्टा हम लोग खाली छोड़े हुए थे कि डेल्टा क्या चूज करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा अगर हम लोग एप्सिलॉन के बराबर ले लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन ही लेते हैं। तो एप्सिलॉन लेते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन। तो ये क्या आ गया, यानी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि एक्स और वाई हम लोग इंटरवल का कोई भी दो मेंबर लिए और ऐसा लिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, इसको लेकर के चले तो दिखा दिए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हम लोग दिखाए हैं दस फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा implies mod of f of x minus f of y less than epsilon। ये हम लोग जो definition है इसका वो हम लोग prove कर दिए, uniform continuity का जो definition है वो यहाँ पर satisfy हो गया। x y कोई भी point लिए, ऐसा लिए कि mod of x minus y less than delta, तो दिखा दिए कि mod of x minus f of y less than epsilon। तो therefore f of x is uniform continuous on interval 0 to infinity, ये UC हो जाएगा, uniform continuous हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो define किए हैं जो proof किए हैं उसमें x y कोई भी point हो सकता है इस interval का, तो ये delta जो है वो x y पर depend नहीं कर रहा है बल्कि वो डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन जैसा रखेंगे वैसा ही डेल्टा आएगा। तो अगर ये डेल्टा पॉइंट पर डिपेंड नहीं करे सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे तो वैसे केस में यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस करते हैं। तो ये साइन एक्स जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो गया इस इंटरवल में। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां एक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो दिखाना है कि दिस फंक्शन सो दैट एफ इज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस ऑन एवरी क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल। अब कोई भी आप क्लोज और फाइनाइट इंटरवल ले लीजिए, उस फाइनाइट या क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो यूसी होगा, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस होगा। तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फाइनाइट इंटरवल नहीं दिया हुआ है, कोई भी फाइनाइट और क्लोज इंटरवल लेना है तो यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं लेट ए बी बी ए क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्लोज फाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो क्लोज इंटरवल है ही और ये ए और बी जो है वो फाइनाइट नंबर होगा। अब पूरे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, माइनस थ्री माइनस वन ले लें ये भी क्लोज फाइनाइट है, या टू फाइव ले लें ये भी क्लोज फाइनाइट है। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लेना है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, जो भी नंबर होगा वो फाइनाइट नंबर होगा, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्लोज एंड फाइनाइट होगा। तो ये हम लोग कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, अब इस इंटरवल में हम लोग दिखाएंगे कि ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो चलिए कैसा दिखाते हैं, उसके लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, एप्सिलॉन ये दिया हुआ हो या अपने से हम लोग चूज करेंगे, तो वी चूज अब इसके रिस्पॉन्डिंग एक डेल्टा चूज करेंगे। तो डेल्टा क्या हुआ यहाँ पर आप खाली छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग उसको लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वैसा। अब हम लोग निकालते हैं, पहले लेते हैं एक्स वाई पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स लेना है ऑन इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में लेना है और सच दैट ऐसा लेना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। अब हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालते हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे। एक्स और वाई हम लोग इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट लिए हैं
और ऐसा ले रहे हैं ताकि mod of x minus y less than delta ये दिखाएंगे तो this is less than epsilon। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, f of x का वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन का वैल्यू यहां पर x स्क्वायर दिया हुआ है और f of y उसी से निकाल लेंगे, f of y दिस इज y स्क्वायर। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला से a plus b into a minus b हो जाएगा। अब दोनों में मॉडुलस लगा देंगे हम लोग, मॉड x plus y into मॉड x minus y। अब एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आप लोग जानते होंगे कि मॉड x plus y less than equal to मॉड x plus मॉड y, आप दोनों में अगर मॉडुलस लगा देते हैं x में भी और y में भी तो ये less than equal to हो जाता है। तो इसी रूल से यहां पर हम लोग लिखेंगे less than equal to mod x plus mod y into mod x minus y। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि maximum of mod x mod y is equal to key, ये दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग की मान रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जो हम लोग x और y जो पॉइंट ले रहे हैं वो इंटरवल a b का ले रहे हैं। इंटरवल a b सपोज कीजिए, मान लीजिए a और b जो इंटरवल है यहां पर माइनस टू है, यहां पर मान लीजिए थ्री है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट लेना है तो सपोज करते हैं कि x का वैल्यू हम लोग माइनस वन ले लिए, y का वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं y का वैल्यू हम लोग थ्री ले टू ले लेते हैं, तो x y इस इंटरवल का कोई भी मेंबर लेना। अब ये x और y का जो मॉडुलस होगा उसमें से जो मैक्सिमम है उसको k मान रहे हैं। तो अगर हम लोग x की जगह यहाँ पर माइनस वन ले रहे हैं, y की जगह टू ले रहे हैं, अगर इसका मॉड निकाले तो मॉड x का वैल्यू वन आएगा, मॉड y का वैल्यू टू आएगा, इस दोनों में से जो मैक्सिमम है उसी को k मान रहे हैं, दोनों में मैक्सिमम 2 है तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि मॉड x का वैल्यू भी k से स्मॉलर है, मॉड y का भी वैल्यू k के इक्वल आ रहा है, तो मॉड x लेस देन k आ रहा है और मॉड y इक्वल टू 2 k आ रहा है, मॉड y का वैल्यू 2 के बराबर और 2 जो है वो k के बराबर, तो मॉड y k के इक्वल आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो इस दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग k सपोज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मॉड x या मॉड y में से सबसे बड़ा k ही होगा, मॉड x का वैल्यू और मॉड y का वैल्यू k से या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करता हूं कि x का जो वैल्यू है, सपोज करते हैं x का वैल्यू हम लोग माइनस टू ले लिए और y का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, सपोज करते हैं तो x माइनस टू ले लेते हैं और y 1 ले लेते हैं, तो वैसे केस में मॉडुलस इसका हो जाएगा 2 और इसका मॉडुलस हो जाएगा 1, तो यहां पर जो दोनों में मैक्सिमम है उसको हम लोग k मानेंगे, k का वैल्यू फिर 2 आ रहा है, तो यहां पर देखिए मॉड x जो है वो k के इक्वल आ गया, 2 के इक्वल है मतलब 2 इज इक्वल टू k, और मॉड y जो है वो लेस देन k आ रहा है, लेस देन k, तो या तो mod x less than k होगा या फिर mod y less than k होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mod x less than or equal to, या तो mod x less than k होगा या फिर mod x less equal to k होगा, तो less than equal to k और mod y less than equal to k, तो यहां पर दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग k मान रहे हैं, तो therefore mod of x and mod of y both are less than or equal to k। इसको हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग दिखा चुके हैं कि मॉड ऑफ f of x माइनस f of y लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, और मॉड x इज लेस देन k तो यहां पर हम लोग k लिख जाते हैं, और फिर मॉड y भी लेस देन इक्वल टू k है तो इसके जगह भी हम लोग लिखते हैं k लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहां पर मॉड x माइनस वाई है, ये देखिए मॉड एक्स माइनस वाई जो है वो ज्यों का त्यों रखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू टू के इनटू मॉड एक्स माइनस वाई, और ये लेस देन इक्वल टू टू के मॉड एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा है, ये पहले से हम लोग सपोज कर चुके हैं, तो लेस देन डेल्टा। अब इसी का वैल्यू यहां पर क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, तो इसके जगह एप्सिलॉन होना चाहिए,
टू के डेल्टा के जगह एप्सिलॉन होना चाहिए, तो हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 की। तो ये जो खाली हम लोग छोड़े थे डेल्टा का वैल्यू, तो वो डेल्टा का वैल्यू हम लोग एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 के ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डेल्टा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये डेल्टा अब डिपेंड कर रहा है वहां जो नंबर आ रहा है उसी के अनुसार यहां एप्सिलॉन आना चाहिए। तो इसके लिए एप्सिलॉन हम लोग पुट करके डेल्टा का वैल्यू निकाल लिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 के ये अब यहां पर पुट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डेल्टा का वैल्यू पुट करते गए, डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 के, 2 के 2 के कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये क्या प्रूव कर दिए, देयरफॉर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, वी हैव, हम लोग दिखा चुके हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ये दिखा दिए, तो देयरफॉर एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, तो इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो गोल सर्कल आ रहा है उसको आप टच करके आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।